So Naman, we think that DSA is the very important step, right, in the placement. हम लोग जब भी कॉलेज में आते हैं तो हमारे सीनियर्स एंड इवन इन द लॉट ऑफ गाइडेंस ब्लॉग्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि वन शुड प्रिपेयर DSA वेरी थॉरली, राइट. बट आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस कि DSA एक अकेला टॉपिक नहीं है जो आपको मास्टर करना है. देयर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स व्हेन यू आर यू नो एमिंग फॉर अ गुड प्लेसमेंट, देन DSA एक अकेला टॉपिक नहीं रह जाता. करेक्ट शौर्या, आई थिंक ये ना स्टार्ट होता है हमारे कॉलेज से, राइट. बिकॉज कॉलेज में पीपल डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज और उनको इतना पता नहीं होता, एंड द ओनली थिंग दैट दे वांट इज गोइंग इनटू अ कंपनी. एंड व्हेन इट कम्स टू गोइंग इनटू अ कंपनी दे एक्चुअली फोकस ऑन गिविंग अ टेस्ट एंड पासिंग इट, राइट, जिसमें वो लोग ज्यादा कोडिंग क्वेश्चन कर रहे होते हैं. दिस इज द थिंग एक्चुअली. बट व्हेन यू टॉक अबाउट इट इन अ लॉन्ग रन, राइट, जब आप वहां से कॉन्टेस्ट दे के ऑनलाइन असेसमेंट देके आप जब कंपनी में जाते हैं, राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिकॉज आप टेस्ट देके अब आप एक्चुअली कुछ बना रहे हैं, यू आर राइटिंग कोड, राइट, और उसके अंदर आपकी ये नॉलेज काम आती है. व्हेन आई टॉक अबाउट अदर सब्जेक्ट्स लाइक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, सिस्टम डिजाइन हो गए, जिसको आजकल लोग कॉलेज में इतना ज्यादा बात नहीं करते, बट इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, राइट. जहाँ पे तुम लोग हाई लेवल की बात करते हो, लो लेवल पे जहाँ पे आप लोग कोड की बात करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डेटाबेसेस जो हम लोग कभी नहीं भूलते. अगर तुम मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जाओगे ना, उनको इन सब चीजों की पता है बहुत सरफेस लेवल नॉलेज है, इनडेप्थ नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, राइट. बिकॉज वो इस चीज पे फोकस नहीं करते, दे ओनली फोकस ऑन क्या कोडिंग कर लेते हैं, कोडिंग कर लेंगे, कोडिंग टेस्ट पास कर लेंगे और कंपनी में पहुंच जाएंगे. बट आई थिंक यार दे शुड एक्चुअली फोकस ऑन कि यार डेटाबेसेस कितने होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, रियल सिस्टम में डेडलॉक्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, रादर देन जस्ट क्रैमिंग द डेफिनेशन, राइट. तो इस चीज पे फोकस करने से हम लोगों को क्या है, काफी ओवरऑल नॉलेज मिलेगी. एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो इन अ कंपनी. लाइक यू मेंशन कि यू नो यू कवर्ड कि एक बारी प्लेसमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद हाउ आर दीज कोर सब्जेक्ट्स रेलेवेंट, राइट. बट आई थिंक जब आप प्लेसमेंट में भी होते हो, देन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो लास्ट वाले हमारे वो होते हैं इंटरव्यूज होते हैं, राइट, द फाइनल राउंड, द फाइनल टेक्निकल राउंड, इनिशियली तो हो सकता है कि आपके काफी सारे कोडिंग के राउंड हो रहे हो, बट एट एनी पॉइंट इन द इंटरव्यू दीज कोर सब्जेक्ट्स कैन कम अप, राइट. करेक्ट. एंड उनमें इंटरव्यूज दे यूजुअली आस्क उनके फेवरेट टॉपिक्स ओएस रहता है, डीबीएमएस रहता है, एंड इवन ऊप्स काफी ज्यादा पूछा रहता है, राइट. ऊप्स नॉट ओनली हेल्प्स यू टू राइट गुड एंड एफिशिएंट कोड, बट इंटरव्यू भी क्लियर करवाएगा. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट डीएसए दैट यू शुड डू. देर आर टॉपिक्स लाइक ऊप्स, राइट, दैट वी मेंशन. फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, सिस्टम डिजाइन आ जाता है. जैसे नमन ने मेंशन करा कि सिस्टम डिजाइन जो है कॉलेजेस में भी कहीं कहीं जगह पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं जगह नहीं पढ़ाया जाता. लाइक इन माय कॉलेज टू से मेरे कॉलेज में इट वाज नॉट अ कंपलसरी सब्जेक्ट. अगर हम लोग लेना चाहते तो उसको ले सकते थे, बट यू नो टू जस्ट मैनेज द क्रेडिट्स एंड आसानी से निकल जाए कॉलेज, वी डिडन्ट डू दैट. सो आई वुड से कि ये गलती मैंने भी करी थी. इट्स अ मिथ कि आपको सिर्फ डीएसए करना है, राइट. आपको बहुत सारी अलग चीजें भी करनी है. या श्योर, आई थिंक यू समड इट अप वेल. बट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट आई रियली लाइक, दैट इज एप्टीट्यूड. पता है दिस इज अ होल प्रोसेस, राइट, फ्रॉम योर प्रिपरेशन डे टिल यू गो इनटू द कंपनी एंड यू स्टार्ट योर फर्स्ट डे, राइट. इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है और इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो तुम्हारा टेस्ट का होता है, ठीक है. टेस्ट में अ लॉट ऑफ कंपनीज लाइक डॉयचे बैंक एंड यू नो जो डी शॉ हो गई और ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज हो गई आपसे एप्टीट्यूड ही पूछती है. तो आई थिंक यू शुड हैव अ फेयर सेंस ऑफ नॉलेज हियर एज वेल. सो वन थिंग आई वुड कॉल आउट हियर इज कि भाई प्रिपेरेशन कर रहे हो तो पूरा प्रिपेयर होके जाओ, कुछ ही मत छोड़ो, राइट. इट इज नॉट कि ये ज्यादा कर लेते हैं वो कम कर लेते हैं, इट ऑल हैज इक्वल वेटेज, सो डू इट.